दी रैक. दी रैक इज वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग टॉर्चर स्लैश पनिशमेंट इन एंशियंट हिस्ट्री. सो दी रैक एक पुराना टॉर्चर करने का तरीका है. सबसे पहले हम इसकी शेप की बात कर लेते हैं. सबसे पहले तो ये एक वुड का पीस होता है, थोड़ा सा जमीन के से थोड़ा सा ऊपर होता है, जैसे कि आजकल हमारे टेबल्स हैं. और इसके चारों के चारों कॉर्नर्स पे चेन्स लटक रही होती हैं और दोनों साइडों पे लगे होते हैं व्हील्स. सो बेसिकली जो विक्टिम होता है, जिसको टॉर्चर या पनिश किया जाता है, उसको उस वुड के पीस पे लिटा दिया जाता है और उसके दोनों हाथ और दोनों पैरों को चेन्स से बांधा जाता है. और फिर असल प्रोसेस शुरू होता है, जो कि बहुत पेनफुल होता है. सो बंदे को वुड के पीस पे लिटाने के बाद दोनों व्हील्स पे एक एक बंदा आता है और वो बंदा व्हील्स को यूज करना स्टार्ट करता है. अब उससे क्या होता है कि जो उस साइड का बंदा है, जब वो यूज करता है, उसको आगे करता है, तो वो बंदा उसकी तरफ जाता है, और इस साइड वाला जब यूज करता है तो वो इसकी तरफ जाता है. और जो विक्टिम होता है उसकी बॉडी स्ट्रेच होती है, जो कि सुनने में ही बहुत पेनफुल लग रहा है. और इसी तरह वो लोग व्हील्स मूव करते हैं और उस बंदे की बॉडी स्ट्रेच होती रहती है, जिसकी वजह से उसके मसल्स, उसके फाइबर्स और उसके जॉइंट्स टूटने लग जाते हैं. सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही. और यार, मैंने जो सारी इंफॉर्मेशन है, जो सारा प्रोसेस है, मैंने गूगल, इंटरनेट, यूट्यूब से ही सारी रिसर्च की है इसके बारे में. सो कोई बात आगे पीछे हो तो उसके लिए सॉरी. और अगर आप चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. सुनने में ही बहुत पेनफुल है यार.